मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। तो ये किताब मैंने अभी रिसेंटली पढ़कर खत्म करी है, और क्या मेरे व्यूज़ हैं इसके बारे में, क्या इस किताब के अंदर है, सारी बातें करते हैं हम इस वीडियो में। सो ये जो बुक है, ये जब मैंने ली थी मेरे को लगा कि काफ़ी ज़्यादा मोटी बुक है, तो इसमें 250 के करीब कुछ पन्ने होंगे, जो कि थे भी, बट पढ़ने वाले सिर्फ 120 पन्ने थे, और स्टिल मेरे को इस बुक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इस बुक के अंदर जब भी मैं कोई पढ़ता था, चैप्टर पढ़ता था या फिर कोई कोट पढ़ता था, तो जब मेरे दिमाग में जो थॉट आता था, मैं उस टाइम पे उसको डेट के साथ लिख लेता था। तो मैंने अभी इसमें देखा था कि मैं इसको मतलब जनवरी फरवरी से पढ़ता आ रहा हूँ, और मतलब मेरे को 6 महीने लग गए इस बुक को पढ़ते हुए। तो क्या ये बुक इतनी मुश्किल है? सो, मैं आपको कहूँगा कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ने में समझने में टाइम लगेगा, उसके अंदर आपको थोड़ी सी मुश्किल भी होगी, बट आप पढ़ लोगे। बट जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स में बढ़ते हो, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो मार्कस ऑरेलियस उस टाइम पे रहे थे, उस तरीके से वो सोच रहे होंगे, क्या किस संदर्भ में वो बताना चाह रहे होंगे, उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाना मेरे लिए मुश्किल होता गया। स्टार्टिंग में जो बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करी हैं, और उन चीज़ों को आगे रिपीट भी करा है, जैसे कि वो लाइफ एंड डेथ के बारे में कंटिन्यूसली मेडिटेट करते रहते थे, उसके बारे में वो सोचते रहते थे, क्योंकि ये जो बुक है वो कभी भी छपनी नहीं थी। ये जो थे वो उनके थॉट्स जो कि वो अपने एक जर्नल में लिखते थे, और बाद में इनको कंबाइन करके ये किताब बनाई गई, मेडिटेशंस। सो जो उनके थॉट्स हैं, वो आपको लगेगा कि यार बड़ा रैंडमली कुछ हो रहा है, कभी वो किसी और चीज़ के बारे में बात करें, कभी वो डेथ के बारे में बात करें, कभी वो अपने कैसे लोगों को रिएक्ट करना चाहिए जो आपको तंग करते हैं लोग, या फिर आपके बारे में गलत सोचते हैं, कैसे आपको लाइफ को लेना चाहिए, कैसे आपको अपने आप को बेटर करना चाहिए, कैसे आपको एक अच्छा राजा बनना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो रैंडमली अलग अलग चैप्टर्स में करते हैं, बट हमें ये फील होता है कि जिस तरीके से उनके ज़िंदगी में लाइफ एक्सपीरियंसेस होते होंगे, जैसे कि वो अपने सभा में गए, उनको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए, वहाँ पर किसी ने उनको कुछ गलत बोल दिया, किसी की बात उनको लग गई, देन ही फेल्ट कि मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए था, फिर मेरे को जो अपना नेचर है इसके अगेंस्ट में जाके कुछ करना चाहिए, फिर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। सो इस बुक को पढ़ के मेरे को पता चला यार कि कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है, कैसे आप अच्छे इंसान बने रह सकते हो, और कैसे इतने हाई लेवल पर होने के बाद भी, आप सोच के देखो कि कोई एक राजा है, उसके पास जिंदगी का क्या क्या सुख नहीं हो सकता। रोमन एम्परर जो ये रहे हैं मार्कस ऑरेलियस, ये अपने टाइम के बहुत सक्सेसफुल राजा रहे हैं, इतना इनका बढ़िया राज्य था। तो हम सोचते हैं कि यार क्या जिंदगी होती होगी राजा की, बट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव वी गॉट टू नो कि यार उनके टाइम में प्लेग आया, उनके टाइम में उनको अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हुई, उनका जो बेटा था उसकी डेथ को इन्होंने फेस करा है, इनकी खुद शायद उम्र 50 के अराउंड रही है। तो ऐसे नहीं कि इनकी लाइफ बहुत आराम से गई है, इनकी लाइफ में भी उनके अप्स एंड डाउन्स थे, इनकी भी अलग एक जर्नी रही है। तो उसके बावजूद अपने आप को सम रखना, जो हम कहते हैं ना कि यार चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अपने आप को सम रखना है, सो दैट कि हमारी लाइफ में कुछ भी बहुत अच्छा होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते, या फिर बहुत लो चले जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा निराश नहीं होते। सो जहाँ पर भी हमारे कुछ सर्टेन ह्यूमन नेचर होते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे अच्छे थॉट्स लाने हैं, बहुत प्रैक्टिकल वे में, बहुत ह्यूमनाइज्ड वे में उन्होंने लिखा है, क्योंकि वो अपने आप को बता रहे हैं। इस बुक को पढ़ते हुए मेरे को एक बार भी फील नहीं हुआ कि वो मेरे को ये बात बता रहे हैं, हमेशा ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप के लिए बातें लिख रहे हैं। और दैट इज़ वाइट आई फील कि यार मैं ये वीडियोस क्यों बनाता हूँ, मैं ये वीडियोस किसी और के लिए नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये शायद मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि कल को अगर मैं थोड़ा सा गलत फील करूँ, या फिर थोड़ा सा गलत जगह जाने लगूँ, या मेरा जो माइंडसेट है वो ख़राब होने लगे, तो मैं अपने पॉजिटिव वीडियोस को देखूँ, मैं अपने पॉजिटिव थॉट्स वाले उस टाइम की चीज़ों को देखूँ कि यार उस टाइम पर मैं कितना सही सोचा करता था, या फिर दीज आर द थॉट्स आई शुड लुक अप टू, और मेरे को ये जो चीज़ें हैं, ये चेन ऑफ थॉट्स हैं, ये अपने दिमाग में दोबारा से रिपीट करनी चाहिए बार बार। सो दैट इज़ वट आई फील आफ्टर रीडिंग दिस बुक, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला, और जो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जैसे रियान हॉलीडे की वीडियो में भी देखी थी कि जो इस बुक की चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होती है। एंड आई फील कि इस बुक में हमें वो सिंपल रहने के बारे में बात करते हैं, हमें लगातार वो काइंड रहने के बारे में बात करते हैं, जनरस रहने के बारे में बात करते हैं, एरोगेंस को छोड़ने के बारे में बात करते हैं, टाइम और डेथ के बारे में बात करते हैं। और ये बुक पढ़ते हुए जो मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन थी और जो खुद के थॉट्स थे, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हुए हैं, एक उसमें क्लियरिटी आई कि यार अच्छा इस तरीके से सोचा करता हूँ मैं। मैं अपने फ्रेंड से इस बुक के बारे में बात कर रहा था, सो वी वर डिस्कसिंग कि यार मतलब अभी का जो प्रेजेंट मोमेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे इस बुक में बात करी जाती है कि यार हमें लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी शायद 70 साल की है, बहुत टाइम है, बट यार अगर हम पूरे टाइम के हिसाब से देखें, जितना भी आज तक धरती का समय रहा है उसमें वो कुछ भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार इतना ब्रह्मांड इतना बड़ा है और उसका हम कुछ छोटे से अंश भी नहीं है, और समय को भी देखा जाता है उस तरीके से, हमारे जो 70 साल है वो कुछ सिग्निफिकेंस भी नहीं रखते, ऐसे करके गायब हो जाएंगे। और ये बात भी है कि जैसे हम देखते हैं अपने आसपास वाले लोगों को, आज कोई मर रहा है तो कल हम मर जाएंगे, मतलब ये चीज़ ना बहुत वो वाली है कि यार कोई भी अमर नहीं है, और ये जो ट्रूथ है जो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, जितना जल्दी उससे
एक तरीके से समझौता कर लेगा ना, वो उतने जल्दी चिल हो जाएगा और वो लाइफ में ना उतने कम सीरियस रहेगा। इस बुक में एक बात ये भी करी गई है, आप सोचो इतना बड़ा राजा और वो बात कर रहा है कि नेवर टेक योर सेल्फ सीरियसली। सो दैट इज़ व्हाट आई थॉट कि यार कितनी कमाल बात है ये। तो मैं बता रहा था आपको मेरे दोस्त के बारे में, तो उसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि यार दिस मोमेंट इज वेरी प्रीशियस, क्योंकि इस मोमेंट पे आप कितने काम कर सकते हो, आपके पास हजारों पॉसिबिलिटीज हैं, हजारों कॉम्बिनेशन है कि जो आप एक्टिविटीज कर सकते हो। बट अगर एट प्रेजेंट अगर आप कोई काम कर रहे हो, सो फॉर यू दैट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और अगर आप उसमें अच्छे से काम नहीं कर रहे हो देन पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ही इग्नोरेंस में अपनी लाइफ जी रहे हो। तो मेरे को भी लगा कि यार जब भी हम कोई काम को सिर्फ करने के लिए करते हैं कि यार होमवर्क करना है, खत्म करो, बस करना है, ख़त्म करना है, बट हम ये नहीं सोचते कि यार हम जो ये काम कर रहे हैं ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नेक्स्ट मोमेंट सपोज वी डोंट नो, सपोज अगर हमारी नेक्स्ट मोमेंट डेथ हो जाती है, सो क्या हमने जो हमारा डेथ से पहले वाला जो मोमेंट था उसमें अपना 100% दिया, अपना पूरा दिया हमने उस मोमेंट में, पूरी तरीके से अपनी शिद्दत से काम करी? सो ये जो सवाल है ये पूछते हैं हमसे मार्कस ऑरेलियस, वैसे पूछते तो अपने आपसे हैं, बट ये बातें पढ़ के हमें पता चलता है कि यार दीज आर द क्वेश्चंस वी शुड आस्क फ्रॉम आर सेल्स, दिस टाइप ऑफ जर्नलिंग वी शुड डू, दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन वी शुड डू, डेथ के ऊपर मेडिटेट करना, अपने बिहेवियर के ऊपर मेडिटेट करना, अपने चीज़ों के बारे में सीखना कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को सम रखना, दूसरों के प्रति काइंड होना, अगर कोई आपके ऊपर गलत व्यवहार करना है तो फिर भी आप अपने आप को शांत रख रहे हो, अपना करेक्टर बनाए रख रहे हो। तो ये अच्छी बातें जो पॉजिटिव चेन ऑफ थॉट्स है, ये जो बातें ये जानने के लिए मिलती है आपको मेडिटेशन से। एंड स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको कि ये जो बुक है ये 120 पन्नों की है, और स्टिल मेरे को इस बुक को पढ़ने में इतना टाइम इसने लग गया, क्योंकि आफ्टर रीडिंग वन कोट मैं उसके बाद ना उस थॉट को मतलब सोचता था, क्योंकि ये जो बुक है मेडिटेशंस इसका अगर मकसद ही खत्म हो जाएगा अगर मैंने इसके 120 पन्नों को एक गो में बैठकर खत्म कर दिया और उसके ऊपर कंटेम्पलेट नहीं करा, उसके ऊपर अगर सोचा नहीं। सो आई फील वेरी गुड कि यार मैंने इस बुक को पढ़ने में इतना टाइम लगाया, एंड आई फील ग्रेट कि यार मैंने इस बुक को चूज़ करा और मेरे को इतनी कुछ बातें जानने के लिए मिली। और आज भी जैसे मतलब लाइफ में आगे भी कभी भी मैं इस बुक को उठाऊंगा तो मेरा हमेशा से यही रहेगा कि जो जो मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन करे उस एक पॉइंट को उठाना, सोचना उसके बारे में और विचार करना, मंथन करना, मेडिटेट करना, उसके बारे में लिखना, और बस ऐसे ही एक अपने दिमाग में अच्छे चेन ऑफ थॉट्स को रिपीट करना। सो दैट इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक। और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है इस बुक के बारे में, और सारे बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं। सो आपको उन डिस्कशन में इंटरेस्ट है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपने बुक पढ़ी है आपका क्या ओपिनियन है आप ये भी बता सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना यार कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी ये बुक कंप्लीट करी है और बुक्स भी पढ़ रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, नई नई टाइप की बुक्स पढ़ रहा हूँ, कुछ समरी सुन रहा हूँ। सो आई फील ग्रेट यार, मतलब बीच में थोड़ा सा रीडिंग स्लंप आ गया था, बट आई एम रीगेनिंग दैट मोमेंटम की यार दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करूँ। सो या फीलिंग ग्रेटफुल, फीलिंग हैप्पी। सो इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।